भाई पाया ये पाया स्लो मोशन अपना स्लो मोशन जबरदस्त स्लो मोशन ओए 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 ये देखो भाई ये अच्छे पराठे तकरीबन तैयार हुए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और आज इतवार है। इतवार की बहुत खूबसूरत मॉर्निंग है, 6:30 बजे का टाइम हो रहा है, फुल सन्नाटा है शहर में क्योंकि कराची में लोग संडे को काफ़ी देर से उठते हैं। मैं जा रहा हूँ भाई नाश्ता करने के लिए। कहाँ जा रहा हूँ मैं? जा रहा हूँ भाई आलमगीर। आलमगीर पे लच्छा पराठा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन उसके सामने मिलता है एक बहुत ही ज़बरदस्त लासानी मुर्ग छोले, लाहौरी छोले जो होते हैं ना, उसका नाश्ता भी करेंगे और जो लच्छा पराठा है उस तरफ जाएँ वो ना खाएँ तो ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं शहर में क्या हो रहा है और आपके साथ शेयर करते हैं, तो फिर चलें। सब मार्केटें बंद पड़ी हैं भाई, लेकिन ये ठेले वाले बेचारे आ गए सुबह सुबह। ये देखिए आप सुबह सुबह हैदराबाद का क्या माहौल है। फिर चाय के ऑर्डर खुले हुए, चाय पराठे के। जी भाई पहुंच गए हम बहादराबाद और एक तरफ आप देख रहे हैं क्वेटा आलमगीर होटल है, यहाँ पे भी नाश्ते चल रहे हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल इस तरफ जो है ये है बिस्मिल्ला लासानी मुर्ग छोले और यहाँ पे भी नाश्ता चल रहा है। इतवार के दिन यहाँ पे ना बिल्कुल अलग ही रौनक होती है, गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, काफ़ी सारी फैमिलीज भी आई हुई हैं सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए और हम भी देखते हैं कि क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? क्या क्या है? अंडा चना, मुर्ग चना, कोफ्ता चना पाया। रोजाना होता है 5 बजे लेकर रात को 1 बजे तक, ये टाइमिंग है। सुबह 5 बजे लेके रात को 1 बजे। अरे ये आया भाई पाया। अंडा देना डबल वीडियो बन रही है। ये पाया और भी है। स्लो मोशन अपना स्लो मोशन जबरदस्त स्लो मोशन। ओए 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 ये बासी है। ये कितने का प्याला है? पाए कितने का है? आया 350। 350 और ये मुर्ग छोला अंडा चना? मुर्ग चना 350, अंडा चना 200, सादा चना 150। मुर्गी तो ये नॉर्मल होती है ना, देसी तो नहीं होती? देसी। क्या लगा ये अंडा चना? ये नली पाया। आप बेसिकली लाहौर से? जी लाहौर। तो वहाँ पे भी आपका लाहौर में? नहीं नहीं, हम लाहौर में कह रहा था, नहीं कामयाब हुआ रिजक यहाँ पे लिखा गया, यहाँ आ गया। अच्छा, कितना टाइम हो गया यहाँ पे? यहाँ ये 8-9 साल हो गए इस दुकान को। सही, एक हुसैनाबाद ब्रांच है की ये। अंडा चेंज करना, दूसरा पाना। आपका क्या नाम है भैया? आपका क्या नाम है? मोहम्मद फयाज। मोहम्मद फयाज भाई 2150। बाबा जी ने कहा है कि आपकी वीडियो जरूर आनी चाहिए। जी इंशाल्लाह आएगी। क्यों? अच्छा भाई यहाँ लग रहे कुलचे? ये रात से सुबह तक मजा ही आंदा ही ना। तंदूरी रोटी और ये कुलचे। कुलचे और रोटी में क्या फर्क है? सर कुलचे पे तिल लगते हैं, रोटी से दाली होता है और रोगनी नान भी होता है, वो कुलचे से वजनी होता है और उसका आटा भी घी में जो है वो बनाया जाता है। गुजरात का भाई है? गुजरात से आया। आप कहाँ से? हम भावलपुर से। और आप लाहौर? जी सर लाहौर। नवाब शाह? नवाब शाह। आप कौन से शहर से? मैं हूँ मुल्तान शहर से। मुल्तान सेवन गुजरात। गुजरात। ओ भाई मुजफ्फरगढ़। ये है भाई कराची की ब्यूटी के आपको यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हर पाकिस्तान के हर सूबे का बंदा आपको यहाँ पे मिलेगा और सब माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त।
नदीम भाई एक जबरदस्त सा मुर्च ना और एक पाए ये प्याला, क्योंकि चिकन अलग से बनाई हुई होती है, इसके अंदर गल जाती है। अच्छा, ये बनी हुई चिकन अलग से है, ये इसके मसाले में नहीं बनती? मसाले में बनती है और वाला भी देते हैं, में डालते हैं फिर टूट जाते हैं, फिर गोश्त टूट जाता है, गोश्त टूट जाता है, मेरे को पता है। ये साबित अभी इसके अंदर ओके कुलचा, कुलचा यार कुलचे के बगैर कैसे मजा आएगा है? लाहौरी स्टाइल में तो कुलचा ही होता है ना, पाला चना कुलचा और लस्सी। लस्सी का है सामने है ना, ये लस्सी वाला बोर्ड है, ये आ गया भाई पाया। बारह महीने मिलता है पाया, ये आ गया चना। भाई जबरदस्त से पाए और मुर्ग चने हमारे पास आ गए हैं, और ये जो लाहौरी स्टाइल के आपको कुलचे नज़र आ रहे हैं ना, ये हर जगह आपको यहाँ पे मिलेंगे नहीं। सबसे पहले मैं ये टेस्ट करूँगा भाई मुर्ग चने, चने टेस्ट करते हैं वैसे होए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वाह, थोड़ी सी हरी मिर्चें भी हर प्लेट के ऊपर ये डाल के दे रहे हैं। जो लाहौरी चने होते हैं जो जायका होता है यखनी वाला स्पेशल रोगनी, वही जायका इनमें आया है। मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ, क्योंकि आलमगीर के ऊपर चाय पीने में अक्सर आता रहता हूँ, लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था कि मैं ये पाए और चने ट्राई करूँ, तो ये मैं पहली बार आज ट्राई कर रहा हूँ। चने तो बहुत ही आला हैं, ज़रा चिकन के साथ इसको ट्राई करते हैं मुर्ग चने। भाई चिकन के साथ भी नो डाउट टेस्ट तो अच्छा आ रहा है, लेकिन चनों का अपना टेस्ट इतना लजीज है कि चिकन की भी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। ऐसे चने हैं ये कि मुझे लाहौर की याद आ गई। अब बारी है भाई पाए टेस्ट करने की। 350 रुपये का प्याला है ये, नली भी इन्होंने इसमें डाल के दिए। ज़रा नली का गूदा चेक करते हैं पहले, ये रहे। ये जो नली का गूदा निकला है ना, ये ओए होए 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 पाए, बिस्मिल्लाह, हाँ भाई मज़ा आ गया। भाई पाए बहुत ही लजीज हैं, बहुत मज़ेदार है। जो पाए का ऑथेंटिक जायका होता है वो इसके अंदर आ रहा है, और हर जगह की हर इलाके की एक स्पेशलिटी होती है, और लाहौर के जो चने मुर्ग चने पाए वगैरह है ना, उनका नो डाउट कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन ये कराची की जगह ऐसी है कि जहाँ पे आपको वही ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा जो हमें लाहौर में या पंजाब के किसी और शहर में मिलता है। बहुत ही लजीज अदनान कुरैशी पाया हाउस है एक नॉर्थ कराची में, उसके भी मैंने पाए ट्राई किए थे, वो पाए भी बहुत अच्छे थे, और ये पाए भी नो डाउट मज़ेदार हैं। मुर्ग चने खा लिए, पाए खा लिए, और अब यहाँ आलमगीर पे हूँ, और ये यहाँ का मशहूर लच्छा पराठा ना खाएं, और चाय भी तो पीनी है ना। क्या लेकिन कैसे हैं? ठीक है, नहीं नहीं हमने भी नाश्ता किया, तो मैंने इतना देख लिया हद हो गई, बैठ ना नाश्ता कर लिया, थैंक यू, चाय पी लो खाली। अरे बस अभी आप ये देखे आप, ये पराठे तैयार हो रहे हैं इस तरफ भी। क्या हाल है भाई? ठीक है, जबरदस्त ये पराठे तैयार हो रहे हैं वहाँ पे। ये देखो भाई वो पेड़े बने हुए हैं, उधर से पेड़ा भाई बनाते हैं, यहाँ पे बेलते हैं इसको, और ये यहाँ पे आ जाता है। वो जो पेड़े पराठे के पेड़े बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये है असल गेम। और यहाँ पे ये इतने सारे जो है ये पराठों के पेड़े बने हुए रखे हुए हैं ऑलरेडी, और ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट है माशाल्लाह, इस तरह 3 चाय के रेस्टोरेंट हैं इनके। ये एक वक्त में एक तवे पे कितने पराठे आ जाते हैं? 60-70। ये भी टेक्निक है, जो है ना हिलाते रहते हैं इसको, है ना, क्यों अगर ना हिलाएं तो जल जाएगा। ओ, वो पलट दे उसी तरह भाई, उसी जगह पे नहीं,
एक ही जगह पे रखिएगा, दो जगह देखो भाई, ये लच्छे पराठे तकरीबन तैयार हो गए। ये वाले तो तैयार हो गए, कॉर्नर वाले क्यों इसको मारते क्यों है दोनों पराठों को आपस में? इसका लच्छा खुलता है। लच्छा खुलता है ये चीज। अच्छा अच्छा, ये भी टेक्निक है भाई। पूरा पराठा बनाने के बाद उसको दोनों पराठों को आपस में जो है ना वो ज़ोर से टकराते हैं ताकि उनके जो लच्छे बाइंड हुए हैं वो खुल जाए। वाह, अच्छा पराठा तैयार है। ओके, ये सात पराठे, सात पराठे और तीन आमलेट, दो चने पराठे बना रखे और पांच पराठे, दो आमलेट। ठीक नहीं भाई? आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन प्लीज़ अभी दबा दीजिए, क्योंकि अच्छी अच्छी मज़ेदार वीडियोस आती रहती हैं, तो उनको देखा कीजिए और भाई को सपोर्ट किया कीजिए। तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। चलें, सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है, मज़े में। यार ये बताएं, क्वेटा पराठा मैं तो बहुत अरसे से खा रहा हूँ, कितना टाइम हो गया इसको? लच्छा पराठा है ना, साइज में छोटा होता है और इसके अंदर लच्छे होते हैं, ये आपने किस तरह से बनाया? ये पहले बनते हैं, फिर बाद में ठीके बनते हैं, बाद में इसमें एक दो घंटा रखना पड़ता है, बाद में इसका लच्छे बनाते हैं। तीन चार किस्म की ऑयल डलता है, तेल हो गया, पकवान ये वगैरह। ये आपने तजुर्बा कर करके सीखा? नहीं, मैं काम सीखा, जहाँ बनते थे वही काम सीखा। जहाँ बनते थे, कहाँ बनते थे? अभी वहाँ ख़त्म हो गया। कहाँ बनते? नाज़माबाद में बनते थे। अच्छा जी, नाज़माबाद में, नाज़माबाद में बनते थे ये, वहाँ नहीं बनते अब? नहीं नहीं, अभी वहाँ वो तो किसी को पता ही नहीं है नाज़माबाद में बनते तो थे। बस उसको काम ही नहीं, मैंने तो अल्लाह पाक ने मुझे वो दिया सिला। अच्छा, कोशिश किया। नाज़माबाद में कहाँ बनते थे? ये नाज़माबाद में क्वेटा बिस्मिल्लाह होटल है, रंडी होटल से आगे है, लेकिन मशहूर हुए क्वेटा आलमगीर से। मैंने करा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने करा, मैंने करा, काफी मेहनत कर ली। चलो जबरदस्त। अंडा कितने का हो गया महंगाई के दौर में? 60 रुपये का हो गया। और पराठा कितने का है? 60 रुपये का पराठा भी? 60 का जी। 120 रुपये में नाश्ता। और चाय कितने की? चाय 80 रुपये की, स्पेशल दूध पत्ती, स्पेशल दूध पत्ती चाय, यानी 200 रुपये में नाश्ता हो जाएगा। है 200 रुपये का एक नाश्ता। ये जा रहे हैं अंडे पराठे। भाई नाश्ते के आइटम तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन हमने मंगाया सिर्फ चाय और पराठा, क्योंकि अभी हमने हैवी ड्यूटी पाए है और मुर्ग चने खाए हैं, लेकिन ये जो पराठा है ना, इसकी जो ब्यूटी है वो ये है। ये आप पराठा तोड़ेंगे और ये देखेंगे, जो जो फ्लफ़ी क्रिस्पी हल्के फुल्के से ये जो इसके लच्छे बन रहे हैं ना, ये देखने में लगता है छोटा पराठा, लेकिन ये इसकी जो ग़िज़ाइत है वो उतनी ही होती है जितनी कि एक नॉर्मल पराठे की होती है, क्योंकि इसमें ये लेयर्स बनी हुई होती हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त पराठा होता है ये। और जब इस पराठे को आप इस तरह चाय में डुबाते हैं तो भाई माहौल ही बन जाता है। ये देखो ये लच्छे हैं। पराठे तो और भी जगह पे मिलते हैं और हो सकता है टेस्ट भी उनका ऐसा ही हो, लेकिन ये जो लच्छे हैं ना, ऐसे लच्छे क्रिस्पी क्रंची ज़बरदस्त है, वो आपको हर जगह नहीं मिलेंगे भाई। हाँ भाई, कैसा लगा पराठा इनका? मज़ेदार। पहली दफ़ा किसने खाया है? मैंने इतनी झूठ नहीं बोला, मैं और इन्होंने जाना नहीं था, मुझे नहारी खाने जाना था, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया आप लोग कहाँ से आए, कौन से एरिया से? नॉर्थ नाज़माबाद से। यार आलमगीर का पराठा अब तक टेस्ट नहीं किया, कराची में रहते हैं? हम बचपन से खाते आ रहे हैं। ओके ओके, चले जबरदस्त।
अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो ये मोची का काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो यहीं पे आपका टी है मालमगीर होटल के साथ, कब से बैठे हैं यहाँ पे, कितने अरसे से? ये हो गया 40 साल से, कुछ ज्यादा हो गया 40 साल से। ये दरख्त आपने लगाया? ये दरख्त आपने लगाया है? अरे वाह यार, क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त यार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई, यार टेक्निकल काम होता है भाई ये जूतों का जो है ना। ये आप औजार देखें यहाँ पे, किस किस तरह के औजार यहाँ पे रखे हुए हैं ये देखें यार। आजकल कैसा चल रहा है काम माशाल्लाह? शुक्र अल्लाह का, जबरदस्त। आजकल पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं महंगाई है, हालात ऐसे हैं, सब कुछ ये है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? महंगाई तो है लेकिन अल्लाह रोजी देते हैं, रोजी रसान वही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कोई, है ना, रोजी देगा। हाँ अल्लाह रोजी देगा इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये होता है यकीन, सारी बात यकीन की है, सारी बात यकीन की है, रोजी देने वाला अल्लाह है बेशक। हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील, सही बात है, सुभान अल्लाह। मेरे लिए बस अल्लाह ही काफ़ी है, हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील का मतलब होता है मेरे लिए बस अल्लाह ही काफ़ी है। चले भाई, बाबा जी के इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ, इसी खूबसूरत मैसेज के साथ आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कैसे हैं भाई, ठीक है? खैरियत से? ऑल इज़ वेल। नाश्ता करने आए? जी जी। हो गया, क्या किया? वो अंडा पराठा, यही आलमगीर का पराठा, अच्छा है, जबरदस्त।